हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शुरू करते हैं संडे कमेंट बॉक्स वीडियो। अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर शंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है मोटिवेशनल बाय रूपेश का। लिखते हैं, सर मेरे भाई की एज 14 ईयर्स है, फिक्स दांत आ गए हैं एंड दांत निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है शायद बोलना चाह रहे हैं, क्या तार लगाने से अंदर हो जाएंगे? बिल्कुल, 13 से 14 साल की एज में सभी परमानेंट टूथ आ जाते हैं, जो डेसिडुअस दूध के दांत है वो निकल जाते हैं। तो अब आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं, वायर लगवा सकते हैं और रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेंगे। जो दांत बाहर है आप बोल रहे हैं या फिर आड़े तिरछे भी है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो वायर्स लगवा सकते हैं। अगला कमेंट है सुरभि आर्या का। लिखते हैं, क्या पायरिया रहते में ब्रेसेस लगा सकते हैं सर प्लीज? देखिए, पायरिया की कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर सीवियर पायरिया है, आपके दांत मोबाइल हैं, हिल रहे हैं, तो आपको ब्रेसेस अभी नहीं लगेंगे। लेकिन स्टार्टिंग है और डीप नहीं है, बोन लॉस नहीं है, दांत हिलते नहीं है, तो पहले आपकी क्लीनिंग हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, जो गम से उनकी कंडीशन बेटर करेंगे डॉक्टर, उसके बाद आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। पाइविया की कंडीशन है तो भी। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है भावना पंगारिया का। लिखते हैं, सर मैंने आरसीटी कराई तो दांत में दर्द हो रहा है और कान में भी पेन हो रहा है, क्या कारण है प्लीज बताएं सर? आपकी आरसीटी कंप्लीट हो गई है या अभी आरसीटी की प्रोसीजर चल रही है, ये आपको मेंशन करना था। अगर अभी प्रोसीजर चल रही है तो डरने की कोई बात है ही नहीं, 2 से 4 सेटिंग ली जाती है, पूरा इन्फेक्शन निकलेगा, मेडिसिन आपकी चलेंगी, उसके बाद कंप्लीट किया जाएगा। कंप्लीट होने के कुछ समय बाद 5 से 7 दिन 10 दिन तक भी थोड़ा पेन होता है। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, रीचेकअप के लिए जाना है, चेकअप कराइए, एक्सरे करेंगे डॉक्टर, और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका रीट्रीटमेंट करेंगे या फिर मेडिसिन आपको दी जाएंगी। तो अगर दर्द है और बढ़ रहा है तो बिल्कुल चेक आपको कराना है। थैंक यू। अगला कमेंट है नाज इब्राहिम का। लिखते हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ऑर्थोडोंटिस्ट एक्सरे करेंगे ? टीथ रूट्स एंड बोन्स की कंडीशन मालूम करने के लिए। ओके, देखिए, सभी ऑर्थोडोंटिक केसेस में, वायर वाले केसेस में जरूरत नहीं होती है एक्सरे की। हाँ, पहले आपका कास्ट जरूर बनाया जाता है, जो ट्रीटमेंट के पहले प्री ट्रीटमेंट कास्ट होता है, जो आपके दांत का साइज होता है वो बनाया जाता है, और एक्सरे जो आप बोल रहे हैं ओपीजी कराई जाती है, बड़ा एक्सरे जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें पूरे दांत एक साथ आपके दिख जाते हैं। लेकिन ये भी सभी केसेस के लिए जरूरी नहीं होता। जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है या कुछ टूथ ऐसा लग रहे हैं कि अंदर हो सकते हैं या फिर टूथ कम है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बोन की कोई प्रॉब्लम है, तो कराया जाता है ओपीजी, हर केस में नहीं कराया जाता, तो अगर जरूरी होगा तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। अगला कमेंट है प्रदीप भारद्वाज का। लिखते हैं, सर मेरा दांत में टार्टर एंड प्लाक हो गया है एंड दो दांत के बीच ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो क्या करें प्लीज हेल्प सर? ये जो प्लाक की प्रॉब्लम है, टार्टर की प्रॉब्लम है, ये इजीली क्लीन हो सकती है स्केलिंग और पॉलिशिंग से। जो अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, मशीन होती है, उससे आप सफाई करवा लीजिए, क्योंकि ये ब्रश से नहीं जाने वाला है या फिर किसी होम रेमेडी से पूरा क्लीन नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत आप देख के करेंगे भी, क्लीन हो भी जाता है तो दांतों के बीच में और अंदर की तरफ जो है वो क्लीन नहीं होगा। सिंपल है, आप जाएं अल्ट्रासोनिक स्केलर से स्केलिंग करा लें, जरूरत है तो पॉलिशिंग भी करा लें, ये जितना भी ब्लैक है, स्टेन है, कैलकुलस है, ये सारा कुछ क्लीन हो जाए। थैंक यू। अगला कमेंट है ममता कल्याणपुर का। लिखते हैं, थैंक यू सर मेरा वहम दूर करने के लिए। ओके, ये कमेंट इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके कमेंट थे म्यूकोसिली वाले वीडियो में। म्यूकोसिली क्या होता है? एक बम्प जैसा, एक गांठ जैसी आपके होंठ में या आपके चिक्स में अंदर की तरफ गाल में हो जाती है, तो उस वीडियो में बताया हुआ है किस कारण होती है, कैसा होता है। जनरली हम डर जाते हैं कि कहीं ये कैंसर की गांठ तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो वो उसमें समझाया हुआ है, डरने जैसी इसमें कोई बात नहीं है, क्या होता है कैसा होता है वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो कैंसर की गांठ वो नहीं होती है, रिलैक्स रहिए। हाँ, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम करता है तो आपको चेकअप जरूर कराना है। थैंक यू। अगला कमेंट है अनुष
का लिखते हैं, इसका कलर तो अमलगम जैसा होगा ना, ये पूछ रहे हैं। मिरेकल मिक्स एक फिलिंग के बारे में बताया गया था जिसमें अमलगम होता है और ग्लासाइनोमर सीमेंट भी मिलाया जाता है, मसाला भरना जिसको आप बोलते हैं, फिलिंग रेस्टोरेशन। तो हाँ, उसका जो कलर होगा वो टूथ के कलर का नहीं होगा, स्ट्रांग बहुत होता है मिरेकल मिक्स, लेकिन टूथ के कलर का नहीं होगा, अमलगम जैसा, सिल्वर जैसा उसका कलर होगा, ब्लैक कुछ उसका कलर होगा। अगला कमेंट है प्रेम सिंह का, लिखने, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रेम है सर। ग्रॉसली कैरियस दांत निकालते समय कभी कभी ज्यादा होठों पर प्रेशर लगने से होठों में घाव हो जाता है, एंगुलर चिलाइटिस यहाँ पर बोल रहे हैं, हो जाता है क्या, जैसे क्या करें कि ये ना बने, एक इसके बारे में संडे कमेंट बॉक्स में बताएगा सर प्लीज। ओके, जब एक्सटेंशन करते हैं, ग्रॉसरी टिकट बोल रहे हैं या फिर और भी, ग्रॉसरी टिकट मतलब जो बहुत ज्यादा दांत खराब हो गया हो, या फिर और भी किसी केसेस में जब जनरली एलिवेटर्स यूज करते हैं, फोर्सेस लगाते हैं, तो ये खिंचता है पोस्टीरियर, पीछे वाले दांतों में जब वर्क करते हैं, तो यहाँ पर एंगुलर चिलाइटिस जैसा हो जाता है वो बोल रहे हैं, छाले हो जाते हैं। इसके लिए आपको टेक्निक प्रॉपर रखनी है, आपकी जो टेक्निक है सबसे पहले उसमें ध्यान देना है कि आप मूवमेंट्स कैसे कर रहे हैं, और सिर्फ हमें मूवमेंट्स नहीं ध्यान रखनी होती, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी मूवमेंट्स क्या है सिर्फ वो ध्यान नहीं रखनी होती है, आपके जो फिंगर पोजीशन है, आपको रिट्रैक्ट कैसे करना है चीक को, आप खुद से कर रहे हैं या आपके हेल्पर है, चीक को रिट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, इससे कम से कम इंजुरी होगी या नहीं होगी। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर वेसलिन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर कुछ लगा सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा और छाले नहीं होंगे या एंगुलर सिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी या बहुत कम होगी, ऐसा आप बोल सकते हैं। थैंक यू। अगला कमेंट है सीएस जन्नत का, लिखते हैं सर मैंने अपने दांत निकलवाए हैं, 6 दिन हो गए हैं, अभी तक दर्द नहीं गया। धीरे धीरे करके ये दर्द जाएगा आपका, क्योंकि दांत कैसा निकला हुआ है, कितना घाव है, कितना बूंद बना है, वो डिपेंड करता है उसमें। तो 6 दिन अभी हुआ है, कोई बात नहीं, 6 7 दिन 10 दिन धीरे धीरे करके दर्द चला जाएगा। बहुत शार्प पेन अगर आपको हो रहा है 3 से 4 दिन बाद, ऐसा दर्द कि सह नहीं पा रहे हैं आप, तो आपको चेक जरूर कराना चाहिए। ये कंडीशन होती है ड्राई सॉकेट की, अगर हम थूक लेते हैं दांत निकलने के बाद, या किसी कारण से जो ब्लड का क्लॉट वहां पे होता है, थक्का निकल जाए, तो ड्राई सॉकेट की कंडीशन बनती है और बहुत सीवियर पेन उसमें होता है। तो अगर सीवियर पेन है तो ड्राई सॉकेट हो सकता है, चेक कराइए, थोड़ा बहुत दर्द है तो केयर रखिए, धीरे धीरे करके हो जाएगा। अगला कमेंट है बलेन वर्मा का, लिखते हैं सर बिना दांत निकाले लगा सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं ब्रेसेस के बारे में, वायर्स के बारे में। बिल्कुल लगाया जा सकता है, हर केसेस में दांत निकालने की जरूरत नहीं होती, कुछ केसेस में होती है तो आपको सजेस्ट किया जाता है दांत निकालने का। थैंक यू। ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई, होपफुली आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। आपके भी कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताएं किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।